हेलो फ्रेंड्स, अगर फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक प्राइवेटाइजेशन या फिर बैंक मर्जर के बारे में। 22 तारीख का जो मीटिंग होना था, उस मीटिंग में जो चार बैंक थे, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूको बैंक, ये चार बैंक का इस मीटिंग में निष्कर्ष निकलने वाला था कि जो ये बैंक जो है प्राइवेट की ओर जाएगा कि या फिर बैंक इसे मर्जर की ओर ले जाएगी सरकार। जो 22 तारीख को जो मीटिंग हो रहा था, उस मीटिंग में क्या निष्कर्ष निकला। मुझे बहुत सारे मेल और कमेंट और मैसेज आ रहे थे कि 22 तारीख को जो मीटिंग हुआ था, उस मीटिंग में क्या हुआ, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, तो उस मीटिंग के बारे में बताइए। तो मैं आपको आज इसी मीटिंग के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि उस मीटिंग में क्या हुआ, वो मीटिंग हुआ कि नहीं हुआ। उस मीटिंग में जो चार बैंक हैं, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर बैंक ऑफ इंडिया, ये चार बैंक का मर्ज हुआ कि या फिर बैंक प्राइवेटाइजेशन के लिए सरकार इसे खोल दिया। तो वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए आपको वीडियो शुरू करते हैं। स्क्रीन पर आने के बाद आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं 22 तारीख का जो मीटिंग होने वाला था, उस मीटिंग में क्या हुआ। लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फर्जी सर्कुलर नहीं था, ये सही सर्कुलर था, वो मीटिंग होने वाला था। ब्रीफली, द रिप्रेजेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दोज कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, इसमें बहुत सारे अधिकारी बैठते फाइनेंस सर्विस के, एग्जामिनेशन ऑफ रेगुलेशन फेम बाई बैंक ऑफ बड़ौदा, या जो बैंक थे, चार बैंक थे, बैंक ऑफ बड़ौदा था, यूको बैंक था, इंडियन ओवरसीज बैंक था और बैंक ऑफ इंडिया था, अंडर सेक्शन 19 ऑफ द बैंकिंग एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970 एज अमेंडमेंट फ्रॉम द टाइम टू टाइम। तो इस मीटिंग में जो था 1970 जो एक्ट है, बैंकिंग एक्ट है, उसमें चेंजिंग करने के लिए ये मीटिंग रखा गया था, लोकसभा में जो ये मीटिंग रखा गया था। अगर ये जो 1970 एक्ट अगर चेंज हो जाएगा तो सरकार जो है बैंक का जो है प्राइवेट के लिए उसका रास्ता खुल जाएगा और सरकार आज़ादी हो जाएगी बैंक को प्राइवेटाइजेशन करने के। लेकिन 1970 अगर एक्ट में नहीं कोई चेंजिंग होगा तब तो फिर बैंक सरकार जो है बैंक मर्जर के लिए ही फिर जाएगी, दो दो बैंक को करेगी मर्जर या फिर चार बैंक को करेगी मर्जर। लेकिन यहाँ पे जो 22 तारीख का जो मीटिंग होना था, उस मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया है कोविड-19 के चलते, क्योंकि भारत में कोविड-19 का जो केस है वो आए दिन बढ़ते जा रहा है, और इसके चलते जो है 22 तारीख का जो मीटिंग है उसे कैंसिल कर दिया। अब आप मान के चलिए कि 4 से 5 महीना तो ये मीटिंग होने वाली है नहीं, उससे पहले तो होगी नहीं, उसके बाद जैसे ही होगी। लेकिन जैसे होगी, अगर इस मीटिंग का कुछ भी न्यूज़ आता है या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है बैंक मर्जर या फिर बैंक प्राइवेटाइजेशन के बारे में, तो मैं सबसे पहले आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँगा। ये जो था मेरा वीडियो था बैंक प्राइवेटाइजेशन के बारे में, ये लास्ट वीडियो था इस चैनल पर, क्योंकि अगर इसके बाद मैं अपलोड करूँगा तो आप लोग बहुत गुस्सा करते हैं कि एक ही जो वीडियो है बार बार क्यों अपलोड किया जाता है, क्यों हम लोग को गुमराह किया था। तो मैं यहाँ पर आपको गुमराह नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा लास्ट वीडियो है। मैं आपको बता दें 22 तारीख का जो मीटिंग हुआ था, उस मीटिंग में क्या निष्कर्ष निकला, तो वो मीटिंग पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया, और इसके बाद जो कोई भी न्यूज़ अभी यूट्यूब पर जो आएगा वो फर्जी ही न्यूज़ रहेगा, वो सही न्यूज़ नहीं रहेगा बैंक प्राइवेटाइजेशन के बारे में, क्योंकि अभी ये कुछ नहीं होने वाला। अभी भारत में ना बैंक मर्जर के बारे में न्यूज़ आने वाली, फिर बैंक प्राइवेटाइजेशन के बारे में न्यूज़ नहीं आने वाली, या फिर कोई भी जो गवर्नमेंट जो था उसका जो प्राइवेट करने थी वो कुछ नहीं अभी होने वाला, अभी सब ठप है। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा वीडियो पसंद है एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किया, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं कि नए ब्रेक नेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।